वरना वाला इंजन जो भाई, वरना टर्बो का इंजन आता ना, ये देखो TGDI, मतलब जो इंजन वरना में आ रहा है 1.5 टर्बो इंजन, 160 BHP, 157 BHP एंड 253 का टॉर्क, भाई ये सेम वही इंजन है। जब आपने ये गाड़ी ली थी आपको पता था इसमें वरना वाला इंजन है 1.5 टर्बो इंजन? मैं कुछ नहीं पता था, इतना पावरफुल गाड़ी देखी, पसंद आई और लिया। इतनी सेफ्टी का किया हुंडई में इतनी नहीं मिलती, तो ये आपको लेने से पहले पता था कि मैं कंसेप्ट गाड़ी ले रहा हूँ? नहीं, हमें पसंद आई, देख के पसंद आई, ब्लैक कलर पसंद आया और लेके आ गए। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। पक्ष रखने से पहले भाई दरवाज़ा बंद कर दो, मिट्टी बहुत उड़ रही है, नई गाड़ी है, गंदी ना हो जाए। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली किया की कैरेंट्स गाड़ी। ये देखो भाई, मतलब ये देखो भाई, एक किया ये खड़ी, एक किया वो खड़ी, दोनों कैरेंट्स भाई, कमाल है यार, गाड़ी अच्छी खासी है, बिक रही है। एंड तो आज मैं इसका ओनरशिप लाइव आपको मैं बताऊंगा कि क्या ये गाड़ी वर्थ है लेना एंड क्यों ओनर ने ये लिया। एंड अभी मेरी ओनर से बात भी चल रही थी एंड वो बता रहे थे कि हम लेने सेल्टॉस गए थे लेकिन ये गाड़ी ले आए, तो भाई मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्यों वो ये गाड़ी ले आए, बिकॉज उनकी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है कि इतनी बड़ी मतलब 6 सीटर गाड़ी उन्हें चाहिए। तो क्या ऐसा है भाई कैरेंट्स में जो कि सेल्टॉस छोड़ के कस्टमर ने किया कि कैरेंट्स ले ली? ये देख लो भाई, एकदम नई नवेली गाड़ी है। एंड अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये गाड़ी 450 किलोमीटर को चली हुई है, ये देखो 419 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, एकदम नई नवेली गाड़ी है भाई, कंडीशन एकदम बढ़िया बना के रखी है। ये देखो कौन सा मॉडल है, सारी बातें जो है ओनर से करेंगे, तो बिना किसी देरी के आपको जो है गाड़ी के ओनर से मिलवाते हैं। अब एक बार गाड़ी की लुक देख लो आप। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू दक्ष, एक बार ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाए। योगेश शर्मा, हाँ जी, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। ओके सर, प्रोवाइड IT जॉब्स ओनली। सर सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर लग रही है गाड़ी, तो सबसे पहले तो ये बता दो कौन सा मॉडल है व्यूअर्स को, एंड ये कितने की पड़ी आपको? किया कैरेंस IMT 1.5 पेट्रोल, हाँ जी, 17,41,870 रुपये। ओके ओके, इतने की पड़ी गाड़ी। ये मतलब कौन सा, मतलब ये टॉप से कितने नीचे वाला वेरिएंट है ये IMT के अंदर? तो मेरे ख्याल से यही टॉप है, यही टॉप है। एंड दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, ये IMT वेरिएंट है, ये मैं कवर करना भूल गया इंट्रोडक्शन में। ये देख लो, मतलब इस वेरिएंट में आपको जो है गियर तो देखने को मिलते हैं। ये देखो भाई, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है, भाई फोकस लेना भाई कैमरा, 6 स्पीड का मैनुअल आता है लेकिन क्लच नहीं आता भाई, ये हुंडई की गाड़ियों में आता है ये सिस्टम, IMT इसे कहते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि किया कैरेंस ही क्यों लिया आपने? 17 लाख रुपये आप डाल रहे थे तो पसंद आई, ले ली, कोई हार्ट पर कुछ नहीं था कि रीज़न। पहले हमने देखी ग्रैंड विटारा, अच्छा ग्रैंड विटारा, देखे हाई राइडर, हाँ जी हाँ जी, फिर हम गए सेल्टॉस देखने के लिए, सेल्टॉस देखने के लिए, सेल्टॉस करनी थी पसंद, पर बच्चे को पसंद आई, ब्लैक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो वैसे आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मतलब 3 लोग हैं, तो फिर इतनी बड़ी गाड़ी लेने का क्या मतलब हुआ? जो फैमिली को पसंद आया, दिल ने कहा वो ले लिया। ओके ओके, तो ये गाड़ी लेने का कारण ये था कि लुक्स जो है इसके, लुक अच्छी लगी, ब्लैक कलर स्पेसिफिक अच्छा लगा। अच्छा ब्लैक, वैसे मैं पूछना चाह रहा था, जैसे इंडिया में ये देख लो भाई, अभी तो गाड़ी नहीं है, आज धुली भी होगी सुबह, ये देख लो दोस्तों कितनी मिट्टी जो है गाड़ी पे जम चुकी है, साफ दिखाई दे रही है। ये अगर व्हाइट कलर होता तो शायद दिखाई ना देती, तो ये आपके मन में डाउट नहीं था ब्लैक लेने से पहले? थोड़ा डबल मेंटेनेंस, सुबह भी सफाई करेगा, ऑफिस में भी लड़का सफाई करेगा। ओके ओके ओके, तो IMT लेने का क्या खास कारण था? मतलब कोई कारण नहीं था, पहला नया लॉन्च हुआ तो IMT हमें पता चला कि भी एक जैसे हम लॉन्ग, मैंने जैसे मेरे पास सनी निसान थी, हाँ जी, जिसमें सबसे मैंने मेरे ख्याल से 8 साल में 1.25 लाख चलाई है, सनी निसान डीजल वाली, डीजल की बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी वो, 1,25,000 चलाई है 8 साल के अंदर। ओके ओके, हमारा मोस्टली रूट होता था जलंधर का है, वृंदावन का। ओके, ये जो टैंक प्लस दबा दबा के थक जाते थे ना, ओके, मैनुअल के अंदर हमें ऑटोमेटिक लेनी थी बेसिकली, हाँ जी, तो ऑटोमेटिक का जो प्राइस था वो इससे 1.5 लाख रुपए और ऊपर था। अच्छा 1.5 लाख और ऊपर था, ऑटोमेटिक मतलब प्रॉपर शुरू ही वहीं से हो रहा था, उससे नीचे कोई था ही नहीं। वेटिंग ही बहुत है, आसानी से मिलती है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे आप निसान चला रहे थे, डीजल गाड़ी थी वो, तो डीजल के बाद जब आप इस गाड़ी पे आए IMT में, तो फिर क्या फ़र्क लगा पावर वगैरह में? ये स्मूथ है, उतने में काफ़ी स्मूथ लगती है, हाँ। और ज़्यादा अभी चलाई भी नहीं है जो मैं तुम्हें डिफरेंस बता पाऊँ। नहीं, एक तो देखो पेट्रोल गाड़ी तो वैसे डीजल से स्मूथ होती है, पावर की मैं बात कर रहा हूँ, पावर में पावर जब तेज है, पेट्रोल की तो पावर होती थी। अच्छा, अगर गाड़ी के इंजन के बारे में बात करूँ तो ये देख लो भाई, कौन सा इंजन मिलता है, टर्बो इंजन मिलता है 1.5। ये देखो भाई, सबसे पहले तो वरना वाला इंजन जो भाई, वरना टर्बो का इंजन आता है ना, ये देखो TGDI, मतलब जो इंजन वरना में आ रहा है 1.5 टर्बो इंजन, 160 BHP, 157 BHP एंड 253 का टॉर्क, भाई ये सेम वही इंजन है। अभी मैं इसका ड्राइव रिव्यू भी लाऊंगा आपके सामने।
तो भाई साहब लाजवाब इंजन है। एंड मैं ओनर से पूछ रहा था कि निशान के बाद ये कैसी लग रही है। भाई ऑब्वियसली बम्ब गाड़ी है भाई, क्योंकि इंजन इतना बम्ब है, वरना वाला इंजन है 160 bhp निकालता है, कमाल की गाड़ी है भाई। तो मतलब भाई पावर की भी आपको कोई कमी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी एंगल से बहुत पावरफुल गाड़ी है। अब एक मैं सवाल पूछूंगा कि जब आपने ये गाड़ी ली थी आपको पता था इसमें वरना वाला इंजन है 1.5 टर्बो इंजन? मैं कुछ नहीं पता था, इतना पावरफुल गाड़ी देखी, पसंद आई और लिया है। अच्छा मतलब इतना पावरफुल इंजन। अच्छा टेस्ट ड्राइव तो ली होगी आपने? टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली। तो 17 लाख रुपए एमटी के अंदर, केवल सोनेट के अंदर जो टेस्ट ड्राइव ली थी बस वही मिली थी। कैरेंस में तो आई नहीं थी ना एमटी। कैरेंस आप वैसे ही चला के देख रहे थे, कोई आपका आईडिया तो हो जाता। चलाई हुई है मेरे पास, जीजी के पास है हमारे पास। अच्छा वैसे चलाई हुई है, मैनुअल है वो तो चलाई हुई है। मतलब आपको लेने से पहले नहीं पता था भाई साहब कौन सा इतना बम इंजन है ये? दोस्तों ये देखो जो वरना में आ रहा है भाई, जो ड्रैग रेस हो रही है वरना से, ये वो वाला इंजन मिलता है, तभी तो परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया लगती है आपको इस गाड़ी की। अब ये बता दो नेगेटिव्स क्या लगते हैं गाड़ी के? नेगेटिव एक तो पार्किंग सेंसर बार बार बजते रहते हैं ना, वो रिपीट करते हैं। अच्छा उसको ऑफ भी कर दे फिर बजने लग जाते हैं, जैसे ही गियर चेंज किया फिर बजने लग जाते हैं। अच्छा हाँ पार्किंग सेंसर इसमें आगे भी मिल जाते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यार हुंडई एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पैकेज बना के देता है आपको, हुंडई हो या किया ग्रुप हो। जैसे इसकी गाड़ी में सुनने में आया कि 3 स्टार है गाड़ी जी एन कैप में, मतलब इतनी सेफ्टी का किया हुंडई में इतनी नहीं मिलती, तो ये आपको लेने से पहले पता था कि मैं कंसेप्ट गाड़ी ले रहा हूँ? नहीं हमें पसंद आई, देख के पसंद आई, ब्लैक कलर पसंद आया और लेके आ गए। अच्छा आपको पता नहीं था सेफ्टी का? ना 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 वैसे चला के लिया। अच्छा लेकिन एमटी नया लॉन्च हुआ है। अच्छा 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 नया ट्रायल करना है गाड़ी का, डीजल का टाइम पीरियड खत्म होता है उसको बेचना है। अच्छा वो आपने किया में दे दी अपनी जो नहीं, सनी नहीं, थी ओलेक्स ऑटो में दी। अच्छा ओलेक्स ऑटो में प्राइस सही दे देते हैं वो लोग, ठीक दे देते हैं। तो जैसे ये सुनने में आता है गाड़ी थोड़ी अनसेफ है, तो ये बात अगर आपको पहले पता होती कि गाड़ी इतनी सेफ नहीं है, ये कल को मैं फैमिली को लेकर हाईवे पे भी निकलूंगा, तो तब भी आप यही गाड़ी लेते या फिर शायद आप कोई और गाड़ी लेते? चेंज करते फिर और अल्टरनेट देखते हैं। क्या लेते फिर और सेफ्टी में? ये जिया जी हमारी यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा 5 महीने से कैरेंस, ये नेगेटिव वाला फीडबैक उन्होंने उन्होंने बिल्कुल बताया नहीं हमें, उनको शायद वो कंफर्टेबल है, वो 140 पे चलाते हैं, 140 पे चलाते हैं, 140 पे कालका जाते हैं, रेगुलर जाते हैं। अच्छा कल ही वापस आए हैं चंडीगढ़, 120-140 नॉर्मल है, और उन्होंने अभी तक 25,000 चला चुके हैं, अभी तक 25,000 चला चुके हैं 5 महीने। मेरे ख्याल से शायद उनको भी नहीं पता होगा इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग क्या है, आईडिया नहीं जैसे आपको भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये गाड़ी जैसे अभी हुंडई वालों ने वरना निकाली है, भाई साहब अगर किया वाले भी कोई सेडान गाड़ी निकाल देना जिसकी फ्रंट लुक ऐसी सी हो, भाई साहब आग लग जाएगी मार्केट में, तबाही मच जाएगी, मैं कसम से कह रहा हूँ। इस गाड़ी के लुक कितने किलर है ना, मतलब आप इसे कह सकते हो कि ये इनोवा का चीप अल्टरनेटिव है, या फिर रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो अगर आपका बजट उतना नहीं है। बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी गाड़ी है, और भाई साहब इंजन तो इसका इतना बवाल है ना, मतलब भाई जब से मैंने ये बैजिंग देखी है ना भाई मैं तो पागल ही हो गया। मतलब 1.5 इंजन हुंडई ने जो है कैरेंस में भी डाल दिया, अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने अल्काज़ार गाड़ी में भी डाल दिया है, एंड सुनने में आ रहा है कि ये इंजन जो है क्रेटा में भी आ रहा है, मतलब आने वाला है, जो क्रेटा में अभी 1.4 टर्बो आ रहा है उसको रिप्लेस करके जो है ये इंजन क्रेटा में आएगा। 17-18 लाख रुपए किया पे खर्च कर दिए, तो क्या खुश हो इस गाड़ी से? अभी तो खैर आपने इतनी चलाई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जैसे मैं आपको पता चल गया कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ी अनसेफ है, अगर आपको आज की एक बार रिसर्च करेंगे पढ़ेंगे क्या चीज़, अब तो ले ली, अब तो ले ली पर पढ़ लेंगे एक बार, पता तो हाईवे पे कितनी चलानी है क्या चीज़ है। हाँ जी, तो मेरा ये सवाल था अगर आपको आज की डेट में 17-18 लाख रुपए वापस मिल जाए तो क्या आप यही गाड़ी लोगे या फिर शायद आप किसी और ब्रांड की तरफ जाओ? नहीं नहीं दूसरे ब्रांड पर टोयोटा पे जाएंगे। अच्छा टोयोटा पे जाओ, वो फिर और बजट बढ़ाना पड़ेगा। हमारा मन फॉर्च्यूनर का था, फॉर्च्यूनर हाई बजट है, वो तो फिर एकदम ही अलग था, कहाँ 50 लाख का रीजन यही था कि 20-22 लाख रुपए तक मैक्सिमम कटे। अच्छा हाई रेटर हमारी प्रेफरेंस फर्स्ट थी, उसकी बुकिंग ज्यादा थी, वेटिंग ज्यादा थी। किसी को सजेस्ट करोगे गाड़ी अगर कोई प्लान कर रहा है? नहीं अच्छी गाड़ी है, गाड़ी में हैप्पी, बिल्कुल सजेस्ट करोगे? खुश हो अपने डिसीजन से? मेरे काफी 2-3 दोस्त ने ऑलरेडी बुकिंग भी करा दी है। ओके और उनको एक एक 2-2 महीने लगे अभी लेने के लिए, लेकिन वो वेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि चाहिए तो किया ही चाहिए, ये कह रहे हैं बुकिंग करा दी उन्होंने। ओके दोस्तों डिक्की भी आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी की, ये 7 सीटर है, ये इसकी 3rd रो है, एंड 3rd रो के बाद भी गाड़ी में जो इतनी स्पेस बचती है, ये देखो अच्छा खासा एक बैग भी पड़ा हुआ है। 6 लोगों का सामान तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये अगर आप 5 लोग जा रहे हो तो ये सीटें फोल्ड भी हो जाती होंगी, ये देखो यहाँ से फोल्ड हो जाती हैं, ये देखो ये दोनों सीटें फोल्ड हो जाएंगी, तो ये देखो भाई कितनी बड़ी डिक्की बन गई, ये देखो 5 लोगों का सामान तो भर भर के आ जाएगा इसमें। तो एक बार ज़रा मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखा दूँ, आगे नहीं बैठ रहा मैं पीछे बैठूँगा, बिकॉज पीछे से ना व्यू एकदम बढ़िया आता है। ये देखो भाई गाड़ी का मतलब जैसे अगर आप पीछे बैठे हो, एक बार व्यू देखो इंटीरियर का, बहुत ही सुंदर इंटीरियर है। ये देखो एसी का लेआउट कितना सुंदर है, डैशबोर्ड वगैरह स्टीयरिंग सब कुछ कितना सुंदर कितना प्रीमियम लगता है, जबकि अभी ये टॉप मॉडल भी नहीं है। एंड इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है ये भी वरना जैसा आता है, जो वरना टर्बो में आ रहा है आजकल। स्पेस देखो भाई साहब बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। अरे हेडरेस्ट क्यों चुभ रहा है पीछे? ओए हो ये देखो भाई
लाजवाब इंटीरियर पूरे नंबर है भाई इंटीरियर में। तो बस गाड़ी में जो एक नेगेटिव मुझे लग रहा है वो भाई सेफ्टी का ही है, क्योंकि बड़ी हल्की सी फील होती है ये गाड़ी। बाकी ड्राइव रिव्यू लाते हैं आपको आपके लिए एंड देखते हैं गाड़ी कैसी है। ये देखो यार मैं आपको दिखा दूँ बिना क्लच के कैसे दिखती है गाड़ी। ये देखो भाई एक बार पीछे का आपको हिसाब किताब दिखाते हैं गाड़ी का क्या है। यार बिल्ड बड़ी हल्की है इसकी, बस और तो कोई नेगेटिव है नहीं गाड़ी में। सुंदर लुक्स लाजवाब है भाई, अलॉय इसमें देख लो बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस है वो बड़ी खुली गाड़ी है यार ये तो। और एसी वेंट जो है ना वो तीनों रो में और प्रॉपर फ्लो आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे फ्लो में कमी है। हाँ पूरा प्रॉपर फ्लो आ रहा है। ये बंद ये करना जरा कितनी जगह बच रही है। ओ भाई प्रॉपर यार प्रॉपर सेवन सीटर है, मतलब अगर मैं बैठा हूँ ना मैं लॉन्ग रूट पे 500,000 किलोमीटर बैठ सकता हूँ अगर मैं ही बैठा हूँ। आपको कैसा कंफर्ट लग रहा है? बिल्कुल यार, कोई ये देख लग स्पेस देख कितनी ज्यादा, ये देख। ओ हाँ ये थोड़ी आगे भी तो रखी है एकदम ऐसे हो रखी है। अगर पीछे भी कर दे इसको करना ही पीछे करना आगे से ही यहाँ से होगी। बस फिर भी इतना लेग रूम है इसके अंदर, नीचे अच्छा खासा लेग स्पेस मिल रहा है। और पीछे देख लो और ये देख ले कितना लेग रूम है। मेरे ख्याल से सेवन सीटर मतलब सेवन सीटर यही गाड़ी है। इसमें तो शायद इनोवा से भी ज्यादा स्पेस है। नहीं बस नहीं इनोवा में ज्यादा स्पेस है वो कंफर्टेबल बहुत है। देख उसका प्राइस भी तो देखना कहाँ चला जाता है। उसका प्राइस देख कहाँ जा रहा है, 30 लाख प्लस चली जाती है वो। ये बात तो है। तो सनरूफ नहीं है ना तो ज्यादा क्लीन लग रही है छत देखने में भी ना। सूदिंग सी लग रही है, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी सी कर देते हैं वो छत। वो सनरूफ की मैकेनिज्म की वजह से होता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। एंड जल्दी ही आपको भाई इस वरना वाले इंजन का जो है ड्राइव रिव्यू भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।